फाइनली दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए गुड न्यूज निकल के आ रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी को लिमिट इंक्रीज का ऑफर दिया गया है। इनफैक्ट मेरे पास 6 क्रेडिट कार्ड है, 3 सेलेक्ट और 3 इजी, और 6 के 6 क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिमिट इंक्रीज का ऑफर आ चुका है। जबकि ये टोटल 6 क्रेडिट कार्ड में से किसी भी कार्ड का हमें SMS या कहीं पे भी अलर्ट नहीं मिला है कि लिमिट इंक्रीज का ऑफर हमें दिया गया है। ये चीज हमें पोर्टल पे जाकर ही पता चला है, तो वहां से हमने लिमिट इंक्रीज किया है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपका काम बिल्कुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा ग्लिच है जिसे हमें बाईपास करना है। तो वो चलिए मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर चल के और लाइव स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्रॉपर आप लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आपके पास या आपके किसी भी फैमिली मेंबर के पास BOB का क्रेडिट कार्ड नहीं है और उनका एज 21 साल हो चुका है, सिविल बन चुका है, और उनके नाम पे या अपने नाम पे BOB का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो अभी BOB का स्नैपडील क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा इशू हो रहे हैं, क्योंकि ये रुपए वेरिएंट में कार्ड इशू होता है जिससे आप UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और जब तक ये IPL चल रहा है तो आपको पता है काफी सारे एड चल रहे हैं रुपए क्रेडिट कार्ड का, तो जिस वजह से ये रुपए वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा अप्रूव हो रहे हैं। तो अगर किसी को BOB में क्रेडिट कार्ड के थ्रू एंट्री करना है तो ये बढ़िया मौका है, आसानी से अप्रूव हो रहे हैं। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। क्रेडिट कार्ड में लॉगिन कर लेना है, जहां पे देखिए यूजर नेम और कैप्चा डाल करके और अपना कार्ड डिटेल, जो भी यूजर नेम पासवर्ड बनाए होंगे उससे आपको लॉगिन कर लेना है BOB के डैशबोर्ड में। तो देखिए दोस्तों, कार्ड के मेन डैशबोर्ड के ऊपर इस तरीके से आ जाते हैं। उसके बाद देखिए आपको 3 लाइन के ऊपर यानी कि मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करते ही क्रेडिट लिमिट इंक्रीज वाले ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है। चलिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देख लीजिए हमारा जो करंट लिमिट है वो 65,000 है, हालांकि पहले 50 ही था, उसके बाद हमने 65 करवाया। अब ये मैनुअली हमने किस तरीके से लिमिट इंक्रीज करवाया उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी ये जो ऑफर है ये प्री अप्रूव में है। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए दिस ऑफर इज वैलिड टिल 31/5/2023। तो इससे पहले पहले हमें इस लिमिट को एग्री कर लेना है। तो देख लीजिए पहला लिमिट जो था वो 50,000 था, उसके 30% बढ़ा करके 65,000 किया गया। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 84,500 किया गया। अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये पूरा का पूरा 30% लिमिट इंक्रीज का हमें ऑफर आया है। तो अगर आप पहले से लिमिट इंक्रीज नहीं करवाए होंगे तो जो भी आपका एग्जिस्टिंग लिमिट होगा उसी का 30% मिलेगा। और यहाँ पे किन्हीं किन्हीं को नहीं मिला होगा ऑफर, उनके लिए भी हम बात कर लेंगे यहाँ पे आखिर क्यों नहीं मिला, एग्जैक्ट रीजन मुझे पता है, ठीक है, उस चीज को फॉलो कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा। चलिए यहां पे देख लीजिए, अब इसे इस लिमिट को हमें एग्री करना है। तो यहां पे देख लीजिए पूछ रहा है आपको इस लिमिट इंक्रीज के बारे में कैसे पता चला। तो चलिए यहां पे हम वेबसाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देख लीजिए आई हैव रीड के ऊपर क्लिक करके जनरेट OTP के ऊपर हम क्लिक करते हैं और हमारे नंबर के ऊपर OTP आएगा। OTP फिल करके यहां पे सबमिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और काम यहां पे खत्म नहीं हो जाता है, मेन प्रॉब्लम यहां से चालू होता है जो कि हम सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। यहां पे हमने OTP सबमिट कर दिया है। तो देख लीजिए कांग्रेचुलेशन, योर BOB, योर रिक्वेस्ट हायर क्रेडिट हैज बीन अप्रूव, ठीक है, तो लिमिट इंक्रीज हो चुका है। लेकिन यहां पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है क्लिक हेयर टू कार्ड लिमिट मैनेजमेंट। अब हमें क्या करना है, कार्ड लिमिट मैनेजमेंट वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। अब देख लीजिए हमारा जो पहले से लिमिट सेलेक्टेड था यहाँ पे वो पिछला लिमिट यहाँ पे दिखा रहा है, इसे हमें इंक्रीज कर देना है, तभी हम बड़ा ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अदरवाइज लिमिट इंक्रीज करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि ट्रांजेक्शन कंट्रोल में तो हमें पुराना लिमिट ही सेट है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे 84,500 हायर लिमिट है, यहाँ पे हम डोमेस्टिक में 84,500 लिमिट इंक्रीज कर ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन कंट्रोल में जाकर के आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं, चाहे वो एड ऑन कार्ड हो, चाहे आपका कोई सेकेंडरी कार्ड हो जैसे कि BOB स्नैपडील यानी कि दूसरा कार्ड आप लिए होंगे, यानी कि जितने भी कार्ड आपके प्रोफाइल से लिंक होंगे सभी में जाकर के आपको ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ा लेना है, तभी आप लिमिट को इंक्रीज कर पाएंगे। चलिए ये तो था पहला कार्ड का, अब दूसरा कार्ड का मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट से शॉर्टकट में। देखिए दूसरा इजी क्रेडिट कार्ड का लिमिट था 19,500 और बढ़ा करके 25,350 किया गया है, लेकिन इस कार्ड का भी लिमिट हमने पहले इंक्रीज करवाया हुआ है। पहले 15,000 ही था, फिर लिमिट इंक्रीज करवाया तो 30% इंक्रीज होकर 19,500 हुआ और अब उसका 30% इंक्रीज होकर 25,350 हुआ। चलिए और भी कार्ड का मैं दिखाता हूं आपको। तो फिर से देख लीजिए एक और कार्ड का लिमिट था 19,500 जो कि दोबारा इंक्रीज करके 25,350 किया गया, हालांकि इसका भी पहले 15 ही था। यहाँ पे आप ऐसा ना समझे कि एक ही कार्ड का लिमिट बार बार हमें दिखा रहे, क्योंकि उसका भी 19,500 था, इसका भी 19,500। तो दोस्तों मेरे दो क्रेडिट कार्ड का लिमिट सेम ही था,
दोनों, हालांकि ये सब क्रेडिट कार्ड अलग अलग फैमिली मेंबर के हैं, हमारे नाम पे एक ही है, बाकी दो फैमिली मेंबर का हमें 15,000 शुरू में मिला था, तो इसलिए अभी आपको सेम सेम लग रहा है। और वहीं पे एंड में इस कार्ड का देख लीजिए, इसका लिमिट था पहले 10,000 और बीच में इंक्रीज नहीं हुआ था, ये डायरेक्टली अब पहली बार इंक्रीज हो रहा है, तो 30% करके यहाँ पे 13,000 का हमें ऑफर आया है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपको लिमिट इंक्रीज का ऑफर आया होगा या नहीं आया होगा इसके बारे में। देखिए अगर आपका कार्ड आज के डेट के अनुसार एक साल पुराना हो चुका है तो लिमिट इंक्रीज का ऑफर डेफिनेटली आया होगा। आप मैसेज का इंतजार ना करें, VOB क्रेडिट कार्ड में लॉग इन करके आप अपना ऑफर को चेक करें। यहाँ पे किसी भी कार्ड का ऑफर के लिए हमें मैसेज या किसी तरीके से नोटिफाई नहीं किया गया, डायरेक्टली हमें डैशबोर्ड पे ही शो किया गया जो भी लिमिट इंक्रीज का ऑफर था। और नया लिमिट जब आप एग्री करते हैं उसी के साथ साथ ट्रांजेक्शन कंट्रोल में जाकर के आप अपना लिमिट को बढ़ा ले, जो भी डोमेस्टिक यूजेस है वहां पे तभी आप बड़ा ट्रांजेक्शन को कर पाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आपके कार्ड का एक साल पुराना हो चुका है फिर भी लिमिट इंक्रीज का ऑफर नहीं आया है तो मैनुअली किस तरीके से बीओबी से बात करके लिमिट इंक्रीज करवा सकते हैं, जिस तरीके से मैं खुद करवाया हूं, आपने कई सारा कार्ड देखा जिसका लिमिट मैं पहले एक बार इंक्रीज करवा चुका हूं और ये दोबारा लिमिट इंक्रीज का ऑफर आया है और इससे पहले सिर्फ और सिर्फ 2 महीना पहले ही हमने इंक्रीज करवाया था। तो मैनुअली किस तरीके से लिमिट इंक्रीज करवाएंगे ये वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जान सकते हैं। बाकी दोस्तों आपके पास या किसी भी फैमिली मेंबर के पास अगर बीओबी का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो अभी बढ़िया मौका है, बीओबी स्नैपडील क्रेडिट कार्ड बहुत बढ़िया अप्रूव हो रहे हैं क्योंकि रुपए वेरिएंट में भी वो कार्ड मिल जाता है जिससे आप UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और अभी IPL में आपको पता है रुपए का कितना अभी ऐड चल रहा है जिस वजह से अप्रूवल चांसेस काफी हाई है। तो अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, तब तक के लिए नमस्कार।